नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज हम ले चल रहे हैं कुवैत की ओर। कुवैत की सेना ने कहा है कि महिलाएं अब सेना में युद्धक भूमिका में भी शामिल हो सकती हैं। सालों तक सेना में सिर्फ नागरिक भूमिकाओं में सीमित रहने वाली महिलाओं के लिए ये पहला मौका है। कुवैत सशस्त्र बलों ने ट्वीट करते हुए बताया कि रक्षा मंत्री हमद जवेर अल अली अल सबाह ने कहा है कि महिलाओं के लिए विभिन्न लड़ाकू और अधिकारी रैंकों में शामिल होने के लिए दरवाज़ा खोल दिया गया है। न्यूज एजेंसी कुना की रिपोर्ट के मुताबिक मंत्री ने कहा है कि समय आ गया है कि कुवैती महिलाओं को अपने भाइयों के साथ कुवैती सेना में प्रवेश करने का अवसर दिया जाएगा। उन्होंने महिलाओं की क्षमताओं और कठिनाई को सहने की क्षमता पर भरोसा जताया है। कुवैत की महिलाओं को साल 2005 में वोट देने का अधिकार भी मिला था। इस देश में महिलाएं कैबिनेट और संसद दोनों क्षेत्रों में हिस्सा लेने के लिए सक्रिय हैं। हालांकि वर्तमान में संसद में कोई सीट महिलाओं के पास नहीं है। अन्य खाड़ी देशों के विपरीत कुवैत की संसद को विधायी शक्ति हासिल है। यहां सांसदों को सरकार और राजघरानों को चुनौती देने के लिए जाना जाता है। महिलाएं कुवैत सेना में शामिल होने के अपने शुरुआती चरण में चिकित्सा और दूसरी सैन्य सेवाओं में अपनी सहायता देंगी। खाड़ी देशों में कुवैत उन देशों में शामिल है जहाँ महिलाओं को समान अधिकार मिले हुए हैं। कई क्षेत्रों में महिलाएं पहले भी अपना लोहा मनवा चुकी हैं, इसलिए उन्हें सेना में पुरुषों के साथ मिलकर लड़ने का मौका दिया गया है। महिलाओं को समान अधिकार देने के मामले में यूएई सबसे आगे है। हालांकि लंबे संघर्ष के बाद सऊदी अरब की महिलाएं भी अब आगे बढ़ रही हैं। दोस्तों, महिलाओं का पूरा हक है, अधिकार है, क्योंकि वो विश्व की आधी आबादी हैं। अपनी कमेंट्स हमें अवश्य दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।